कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी उसकी आंतरिक कलह है, जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक नेताओं के बीच बढ़ रही है। जहां दिल्ली में टिकट न मिलने से पार्टी नेता बागी बन रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां न होने से तलखियां बढ़ती ही जा रही हैं। नेता हाईकमान से निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्तियों की मांग उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में आए एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिससे दावेदारों में असंतोष पनपने लगा है। बार बार नियुक्तियों के टलने से असंतोष के स्वर इस कदर मुखर हो चुके हैं कि अब तो नेता खुलकर बोलने लगे हैं। पार्टी के एक नेता का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के कई दावेदारों को टिकट नहीं मिल पाया, तब यही भरोसा दिलाया गया था कि पार्टी उन सभी का ध्यान रखेगी, मगर एक साल गुजर गया, पार्टी की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई विधायक मंत्री न बनने से असंतुष्ट हैं, वहीं निगम मंडलों में नियुक्ति न होने से दूसरे नेता भी नाराज हैं। ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से निगम मंडल और आयोगों में नियुक्तियों की मांग लगातार उठ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान कई नेता बगावत के मूड में भी थे, तब उन्हें समझाया गया और इस बात के लिए राजी किया गया कि वो पार्टी के लिए काम करें, पार्टी उनका ध्यान रखेगी। लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव को भी एक साल होने वाला है और अब तक कोई मंथन नहीं किया गया है। वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कई बार अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन हाईकमान उन्हें अध्यक्ष पद से मुक्त करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी के भीतर खींचतान जारी है। मगर अब तो ये रस्साकशी और बढ़ती जा रही है। अगर जल्द ही इसे नहीं रोका गया तो पार्टी का बिखरना तय है। ये बिखराव कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने की वजह भी बन सकता है। अब देखना होगा कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक रूठे नेताओं को मनाने के लिए क्या कवायद की जाती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।